नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन कुमार है। आज हम बात करेंगे MDF वेव बोर्ड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं वेव बोर्ड्स होते क्या हैं। जैसे इसके नाम से पता लगता है वेव बोर्ड, तो दोस्तों जिस तरीके से एक लहर चलती है उसी तरीके को डिजाइन को हम बोर्ड के ऊपर बना देते हैं, इसीलिए हम इन्हें वेव बोर्ड बोलते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वीडियो में दिखाया गया प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान आपकी स्क्रीन पर एक या दो कूपन कोड स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे, जिनका इस्तेमाल करके आप 10% से लेकर 60% तक का डिस्काउंट बेनिफिट ले सकते हैं। यहां मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये कूपन लिमिटेड समय के लिए ही अवेलेबल है और आप इनका सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। यह देखने में बहुत ही सुंदर होती है। इसके अलावा जब हम इसे टच करके फील करने की कोशिश करते हैं तो 3D का फील आता है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास 100 से अधिक वेव बोर्ड के डिजाइन अवेलेबल हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास ये वेव बोर्ड प्लेन, पेंटेड और वाटरप्रूफ तीनों कैटेगरी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं ये किस किस मेटल में अवेलेबल है। तो दोस्तों प्लेन और पेंटेड वेव बोर्ड MDF, SDF और SDHMR मेटल में अवेलेबल है। इसके अलावा वाटरप्रूफ वेव बोर्ड PVC और WPC मटेरियल में अवेलेबल है। अब बात करते हैं साइज की। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, इन वेव बोर्ड का साइज 48 इंच बाय 96 इंच होता है। इन वेव बोर्ड को हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि आप एक के साथ एक बोर्ड को लगा करके अपने डिजाइन को जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं। अब बात करेंगे थिकनेस की, ये वेव बोर्ड किस किस थिकनेस में अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, वेव बोर्ड 5 mm से लेकर 35 mm तक की हर थिकनेस में अवेलेबल है। लेकिन साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, इसके लिए सबसे बेहतरीन थिकनेस 10 mm और 12 mm होती है। इस थिकनेस पर यह डिजाइन अत्यधिक सुंदर नजर आते हैं। अगर फिर भी आप कुछ पैसा इसमें बचाना चाहें तो मैं कहूंगा 8 mm का थिकनेस तो आपको कम से कम लेना ही चाहिए, क्योंकि जितना अधिक थिकनेस होगा उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। इसके साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा, हम मैन्युफैक्चरर हैं इसलिए हम आपकी डिजाइन की आवश्यकता के अनुसार इसे यू शेप और वी शेप के टूल्स में भी बना सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट में बताना चाहूंगा, ये रेडी टू यूज प्रोडक्ट हैं और इन पर आप अपने हिसाब से पेंट पॉलिश भी कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट में इतना ही है कि MDF पर बने वे बोर्ड आप सीलन वाली दीवारों पर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा MDF वाले वे बोर्ड को आप एक्सरे में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह सीलन पानी से खराब हो सकता है। अगर अभी भी आपके मन में वे बोर्ड को लेकर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एंग्रेव्ड वेव बोर्ड के बारे में। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।